हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी के से रिलेटेड है। और बात करें आज के टॉपिक की, तो मैं आज आपको एल्डरबिट 12 इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी सारी डिटेल दूंगा मैं। ये क्या फ़ायदे करता है, क्या नुकसान करता है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजू की टिप्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि एल्डरबिट 12 इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा मैं। ये आप देख सकते हैं, ये दो इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन रहता है। और इसमें मैं बताऊँगा आपको कि इसका पार्ट वन और पार्ट टू क्या क्या काम करता है, किस चीज़ के इसमें कितनी कंपोजिशन मिलाए गए। और आगे अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई हैं, विटामिन सी इंजेक्शन आईपी एंड विटामिन B12 फोलिक एसिड एंड निकोटिनामाइड इंजेक्शन, ये तीन चार फार्मूलों के साथ मिक्स होकर ये पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ है। सिंगल पार्ट को आपको इस्तेमाल नहीं करना, दोनों पार्ट आपको मिक्स करके इस्तेमाल करके लगवाने। और बात करते हैं पार्ट वन की, तो ये जो पार्ट वन है ये जो दिख रहा है ब्राउन ये वाला पार्ट वन होता है। इसके अंदर क्या चीज़ें पाई गई हैं, पार्ट वन के अंदर विटामिन सी पाया जाता है 150 mg। पार्ट वन जो होता है वो 150 ml होता है, टोटल इंजेक्शन जो है पूरा वो 250 ml का है। तो पार्ट वन जो है वो 150 ml है और पार्ट टू जो है वो 1 ml है। अब बात करते हैं पार्ट टू की, तो पार्ट टू के अंदर विटामिन B12 2500 mcg है, फोलिक एसिड 0.7 mg है और निकोटिनामाइड 12 mg है। तो ये इसके हो गए कंटेंट्स, इसके अंदर क्या क्या मिक्स किया गया। तो आपको प्रॉब्लम आती है, आपके हाथों पैरों में दर्द होता है या आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और नसों में आपकी प्रॉब्लम होती है, नसें तड़कना होती हैं या नसें जो सुन हो जाती हैं, बैठ के उठते हैं आप एकदम से तो आपको चक्कर सा आ जाता है, या आपके अगर थोड़ी देर हाथ कहीं रखे रहें या पैर कहीं रखे रहें तो सुन से हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में काफ़ी हद तक ये रिज़ल्ट देता है और इसका अल्टीमेट एक रिज़ल्ट पाया जाता है हमेशा से। और ये आप इसको इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ख़ास ध्यान रखना है कि आपको ये खाना खाने के 1-1.5 घंटे के आसपास से ही लगवाना है, अदरवाइज़ ये आपके पेट में थोड़ा सा अटैक कर देता है। क्योंकि जितने भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स आते हैं या ये जो ताकत वाले इंजेक्शन आते हैं, जितने भी जो IV किए जाते हैं, मतलब जो नस में लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन आप जब भी इस्तेमाल करें तो उसको खाना खाने के 1-2 घंटे के आसपास ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके पेट में दर्द पैदा कर सकता है कुछ देर के लिए। हालाँकि वो दर्द जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता है, कुछ देर के लिए आपके पेट में अजीब सा परेशानी महसूस होने लगती है, आप 1 गिलास पानी पी लेंगे तो वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए आप खास ध्यान रखें, आप अपने लिए या आप अपने किसी आसपास के किसी पड़ोसी के लिए या अपने घर में किसी के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे इस इंजेक्शन को, या अगर आप अपने डॉक्टर के किसी पास जाएंगे इसको लगवाने के लिए, तो आप अपने 1-2 घंटे के खाना खाने के हेर फेर से मरीज को लेके जाएं। ये आपको खास ध्यान रखना होता है। और बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा खास नहीं रहते हैं, यही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर ज़्यादा आप अगर भूखे पेट चले जाते हैं लगवाने के लिए तो पेट में दर्द पैदा कर देता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कोई भी नहीं पाए जाते हैं। और बात करें इसके यूज़ करने की, तो आपको ये 1 दिन छोड़ के यूज़ करना होता है। आज लगवाएंगे आप तो आप 1 दिन छोड़ के लगवाएंगे, और जब भी आप लगवाने जाएं तो आप ये कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करा लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लो है तब तो लगवाना ही है, हाई नहीं होना चाहिए, ये आप खास ध्यान रखें। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 5 इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे 1 दिन छोड़ के, तो ये 10 दिन के आसपास में आपको 5 इंजेक्शन लग जाएंगे। तो ये 10 दिन का कोर्स होता है आपका टोटल। और ये जो नसों का तड़कना या नसों का या सुन्न होना या बैठ के उठना चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, या फिर BP लो होना, या अपने आप में कमज़ोरी महसूस करना, कोई भी चीज़ों की प्रॉब्लम जैसे मैं बता रहा था आपको, तो अगर इसमें से आपको कोई फील कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंजेक्शन लगवाएं। और छोटी मोटी अगर आपको परेशानी है, जैसे अगर आपका BP ज़्यादा लो नहीं रह रहा है फिर भी आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो 2 या 3 इंजेक्शन आप लगवा लें, 1 दिन छोड़ के लगवाना है आपको, ये खास ध्यान रखें। और आपकी ये जो परेशानी है, आप जो फील कर रहे हैं, वो आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी 100% गारंटी के साथ, ये चीज़ बोल सकता हूँ मैं। अब बात करते हैं आपको किस एज में लगवाना है ये, तो ये आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे के लिए नहीं लगवाना है। बच्चा आपका बस 12 साल का या 13 साल का अगर है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, 15 साल से नीचे आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, 15 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तब आप इसको इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप खास ध्यान रखेंगे। ये एल्डरबिट 12 के नाम से आपको कॉम्बिनेशन पैक होता है ये 2 इंजेक्शन का, तो एल्डरबिट 12 के इंजेक्शन के नाम से आपको ये हर एरिया मिल जाएगा, आप चाहे कहीं भी रहते हो। और इस पे साफ साफ लिखा रहता है कि IV और IM ये आप कर सकते हैं, IV आप ड्रिप में लगाएंगे, मतलब बोतल में डाल के आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, ड्रिप लगवाएं आप किसी भी चीज़ की उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
और इंट्रामास्कुलर आईएम जो होता है वो आप करा सकते हैं। अगर आपका लग रहा है आपको कि आपको भूख लग रही है, आप खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आप ये मास्कुलर करवा सकते हैं। तो आईवी ज़्यादातर कोशिश ये करा करें कि खाना खाने के एक डेढ़ घंटे के आसपास जाएं, वो भी ड्रिप के साथ इस्तेमाल करना है। और अगर नहीं, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको जाके और मास्कुलर आपको लगवा लेना है, और आपकी ये परेशानी जो मैं बता रहा था आपको साइड इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट फिर आपको नज़र नहीं आएंगे। मास्कुलर में ये साइड इफेक्ट नज़र नहीं आते। और अब मैं आपसे बात करूँगा कि इसको आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको जैसा लग रहा है कि आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आप उस टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना इसके आज तक कोई साइड इफेक्ट नज़र आए हैं, देखे गए हैं, ना किसी ने अभी तक ऐसे कोई रिव्यू दिया है जिससे ये पता चले कि ये प्रेगनेंसी टाइम में कोई साइड इफेक्ट डरता है। बात करें क्या ये किडनी की बीमारी में सुरक्षित है, तो किडनी की परेशानी अगर आपको है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। लीवर की प्रॉब्लम में कोई क्या ये सुरक्षित है, तो लीवर की परेशानी भी अगर आपको है, कोई फैटी लीवर है या आपको खाना हजम है, कुछ भी मतलब लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर आपकी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर भी कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आता, और ना ही इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट पाया जाता कि आपको आँखों के सामने चक्कर आए या आँखों के सामने अंधेरा आए या आपकी आँखों के सामने आपको ऐसा लगे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ या फिर आपको नींद सी आए, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आते हैं। तो आप कोई भी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ के साथ आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। और अब मैं आपसे बात करूँगा इसकी कंपनी की। तो ये एल्डर कंपनी का होता है, एल्डर वेलनेस। एल्डर एक बहुत अच्छी डिवीज़न मानी जाती है, लेकिन एल्डर के भी बहुत सारी डिवीज़न आती हैं। ये एनटेक्स फार्मा कंपनी जो है वो एल्डर की डिवीज़न है, मेरे पास फ़िलहाल जो है ये एनटेक्स की है। और मैं लास्ट में आपसे बात करता हूँ इसकी एमआरपी की। तो एक एम्पल जो है ये पूरा पैक कॉम्बिनेशन ये 29.70 रुपये का पड़ता है, 30 रुपये के आसपास एम्पल पड़ता है। आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको हर मेडिकल स्टोर पर और हर एरिया में आपको ये मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें चाहे आप ऑफलाइन परचेज़ कर लें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।